नमस्कार, बॉबी चैमेनस न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। 16वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश को मिली कैबिनेट की मंजूरी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा। चुनावी परिदृश्य साफ होने के बाद अब नई सरकार की गठन की प्रतिक्रिया शुरू होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार शाम हुई और इसमें 16वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की गई। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कैबिनेट ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान लोकसभा भंग करेंगे, जिसका कार्यकाल 3 जून को समाप्त हो रहा है। अरुण जेटली बीमार होने के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद से अनुरोध किया है कि वे नई सरकार के पद ग्रहण करने तक काम जारी रखें। वहीं अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के कल सांसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान तमाम मंत्रालयों के आवंटन पर भी चर्चा हो जाएगी। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अकेले दम पर भाजपा ने 302 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि एक सीट पर आगे चल रही यानी कि भाजपा के खाते में 303 सीटें जाती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में हार से बौखलाया अखिलेश यादव का बड़ा फैसला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में करारी हार पर अपनी पार्टी के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पैनलिस्ट को हटा दिया है। साथ ही चैनल पर किसी भी प्रवक्ता के पार्टी का पक्ष रखने पर रोक लगा दी है। पिछली बार की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी यूपी में 5 सीट पर ही सीमित रह गई, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी व रालोद के साथ उसका गठबंधन बेहद मजबूत माना जा रहा था। गौरतलब है कि यूपी की 80 सीटों में से भाजपा को सर्वाधिक 82 सीट पर जीत मिली है। वही गठबंधन सिर्फ 15 सीटों पर ही सीमित रह गई है। वहां अपना दल को वो कांग्रेस को 1 सीट मिली है। सनी देओल या हेमा मालिनी नहीं, सब सेलिब्रिटी ने हासिल की सबसे बड़ी जीत। लोकसभा चुनाव में लगभग सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इस चुनाव में पूर्व क्रिकेटर से लेकर कई फिल्मी सितारों ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।